हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान के सभी बड़ी मंडियों में प्याज के भाव 23 अगस्त 2020 को क्या देखने को मिली है। मतलब दोस्तों, कल शाम के जितने भी अपडेट आए हैं प्याज के, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इतने मंडियों को मैं क्यों ऐड किया हूँ, इतने स्टेट को, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि हर जगह मंडियाँ बंद ही चल रही हैं। लगभग दोस्तों जितने भी स्टेट की मंडियाँ खुली हैं, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। और दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 9400 को भी प्याज बिका है, कौन से स्टेट में, कौन से मंडी में बिकी है, पूरी तरह इस वीडियो में डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे और जानकारी का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले मुंबई के बारे में, ठीक है। तो मुंबई ओनियन बटाटा मार्केट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 1300 से लेकर 1700 का भाव देखने को मिले। आवक दोस्तों 8380 क्विंटल देखने को रही है। पंडरपुर मंडी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 100 रुपये से लेकर दोस्तों 1400 का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 963 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे पूरे मौसी मंडी में, जो कि 500 से लेकर दोस्तों 1000 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 55 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वाई मंडी में, जो कि 600 से लेकर दोस्तों 1200 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ दोस्तों, तो आवक यहाँ पे 25 क्विंटल देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों विजयपुर मंडी में, जो कि दोस्तों 200 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 1400 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 4510 क्विंटल देखने को रही है। तो ये किसान भाई जानेंगे दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में क्या भाव रहे हैं प्याज में। तो दोस्तों दिल्ली का आज़ाद मंडी में 625 रुपये से लेकर दोस्तों 1600 का भाव देखने को मिला है। आवक 719 क्विंटल देखने को रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा मंडी में दोस्तों नारायणगढ़ मंडी की बात करूँ तो 7000 रुपये से 7000 का भाव देखने को मिली है प्याज में। आवक दोस्तों 0.2 टन देखने को रही है। वहीं पर बात करूँगा हरियाणा के शाहबाद मंडी में, जो कि 8000 से लेकर दोस्तों 9400 का भाव देखने को मिली है प्याज में। आवक 0.1 टन देखने को रही है। वहीं पर नेक्स्ट बात करेंगे उड़ीसा हिंडोल मंडी में, जो कि दोस्तों 2000 रुपये से लेकर 2400 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करते आवक यहाँ पे 2 टन देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों ओडिशा के नीलागिरी मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 1500 से लेकर दोस्तों 1600 का भाव देखने को मिला है प्याज में। आवक दोस्तों यहाँ पे 4 टन देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे राजस्थान के सभी बड़ी मंडियों में प्याज के क्या भाव रहे हैं आज के। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों आज संडे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। तो राजस्थान के सभी बड़ी मंडी की बात करो तो भंडारा मंडी की बात करो तो 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 1600 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 1.1 टन देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों जालौर मंडी में, जो कि दोस्तों 1300 से लेकर 1500 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 1.9 टन देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों संगरिया मंडी में, जो कि 700 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 1200 का भाव देखने को मिला है प्याज में। आवक दोस्तों 0.8 टन देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों सूरतगढ़ मंडी में, जो कि 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 1100 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पर 3.6 टन देखने को रही है। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र, हरियाणा, मतलब दोस्तों जितनी भी मंडी है आप लोगों को, जितने भी स्टेट का बताया पूरी तरह डिटेल में आप लोग को बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतने, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।